समवन, रूमर्स तो मेरे बहुत सारे आ रहे हैं जैसे आपने बताया। मैं किरदार प्ले कर रही हूँ और उस किरदार से प्यार है लोगों को, इट्स लाइक क्रेजी। मुझे नायरा नहीं पसंद, मुझे ऐसे सॉफ्ट स्पोकन लड़कियां नहीं पसंद, मुझे चकोरी पसंद है। आप देखो, माय गॉड। वेल, शो का नाम है पिशाचनी, आई एम द पिशाचनी एंड मेरा कैरेक्टर का नाम नायरा बोलने जा रही हूँ रानी है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, सुपर नेचुरल जोन है आपको पता है, बट कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। एंड दिस शो इज़ अबाउट वॉट डज पिशाचनी वॉन्ट एंड वाई शी हियर एंड वाई शी सो क्यूट। आई मीन उसका जो लुक है बहुत ही सुंदर दिखाया है, तो कैसे वो अपने लाइफ को जीती है, पिशाचनी रूप कैसे लेती है एंड ऑल दैट, इट्स अबाउट दैट, इट्स गोना बी फन। ये तो आप देख कर ही आपको पता चलेगा, लेकिन जब वो पिशाचनी है वो कुछ कांड तो ज़रूर करेगी, अदरवाइज उसका मज़ा ही क्या है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई थिंक यू शुड वॉच इट एंड जज इट योरसेल्फ। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन सिर्फ इतना ही है कि मुझे फिजिकली बहुत लाइट फील करना है, क्योंकि मैं एक स्पिरिट हूँ, आई कैन नॉट हैव ह्यूमन काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, आई हैव टू हैव अ वेरी फ्लोटिंग बॉडी लैंग्वेज। दैट्स वन होमवर्क दैट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू फील वेरी लाइट। एंड सेकेंड इज शी इज, हर पर्सनैलिटी इज वेरी, शी इज सपोज टू बी वेरी ब्यूटिफुल एंड हॉट एनचैंट्रेस। सो आई एम ट्राइंग टू बी एज, मतलब ट्राइंग क्या है, आई एम जस्ट बींग एज ग्रेसफुल एज आई कैन, यू नो, आई एम जस्ट, दैट्स द टू थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग। स्पेशलिटी ये है कि मेरा फर्स्ट शो जो था वो सुपर नेचुरल था, उसमें मैं दिव्या शर्मा प्ले कर रही थी जिसको टेलीकिनेसिस था। वो एक 24 years old की लड़की है, कॉलेज से निकली है, यू नो, दुनिया को बचाना चाहती है, अपने बहन को ढूंढना चाहती है। एक इंस्पायरिंग रोल था, एक यूथफुल रोल था। फिर मैंने एक्सक्यूज मी मैडम किया, जो कि एक बॉस है, एक मैडम है, यू नो, एंड बहुत ही टिप टॉप काइंड ऑफ ही हॉइटी टॉइटी काइंड ऑफ मैडम। फिर मैंने रक्षाबंधन किया, जो एक गांव की छोरी है, लुटेरी दुल्हन है, वेरी वेरी रस्टिक, वेरी रॉ, बदमाश, प्यारी भी, यू नो, चकोरी से भी बहुत लोगों को प्यार था। एंड नाउ आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी, है तो पिशाचनी लेकिन उसका वो जो खुद को जैसे फील करती है इज़ वेरी डिवाइन। बहुत लोगों ने बोला है कि मैं माँ सरस्वती जैसे लग रही हूँ उस अवतार के साथ, यू नो, वाइट कपड़ों के साथ, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे वाइट फ्लोइंग क्लोथ्स एंड कर्ली हेयर। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग ऑफ द रोल्स, दैट्स द मेन डिफरेंस। ये पिशाचनी है नैनीताल की, नैनीताल से है ये। सो नैनीताल इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, तो पिशाचनी जी भी जो है वो बहुत ही खुद को, मतलब, यूज़ करती है अपनी खूबसूरती पूरे शो में। नहीं, हम लोग नैनीताल नहीं गए, हम लोग चैल गए, हिमाचल प्रदेश की है बेसिकली, एंड नैनीताल इज़ उधर या बाजू में ही। सो मैं भी हिमाचल प्रदेश से आ रही हूँ, चैल से आ रही हूँ, और पहाड़ों में जाके बड़ा मज़ा आया मुझे, आई इन्जॉयड द वेदर, इट वॉज जस्ट वेरी ब्यूटिफुल, एवरीबडी इज़ अमेजिंग, द होल स्टारकास्ट के साथ। इनफैक्ट रोड शूट करने के बाद हम लोग साथ में खाना खाते थे, वी यूज टू शेयर डिफरेंट स्टोरीज, एवरी एक्टर हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंसेस, इट इज़ सो एनरिचिंग टू सिट विद द सीनियर एक्टर्स एंड लर्न एंड हियर कि कैसे जनरेशन चेंज हो रहे हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, कैसे वो चीज़ों को हैंडल करते हैं। एंड आप मानो या ना मानो, जितना भी बड़ा सीनियर स्टार होता जाता है वो उतना ही हम्बल होता है। इट्स सो अमेजिंग टू लर्न सो मच फ्रॉम देम। And Harsh is playing the lead, GI is playing the other lead, so they both are very friendly, very sweet people. I think I've got a very good team. Shakuntalam Productions, everybody is so sweet, so hardworking, and I think hardworking to sab log hote hain, lekin jo nature jin logo ka acha hota hai na, unke sath kaam karne mein aur maza aata hai. So this is a 100 episode show. It depends how long we're going to take it forward to. But yes, I have a movie and another show in the pipeline actually already. So, abhi dekhte hai is show ka fate bahut acha jaye to what will happen to that, I don't know. But jo bhi hoga mere career ke liye aur audience ke liye acha hi hoga, ye mera manna hai. I never thought that negative leads ko bhi itna pyar milta hai. Sach mein mujhe pata nahi.
मेरे सेट पे एक एडी था, मैं जैसे ही मेकअप करके आती थी, रेडी होके आती थी, चकोरी बन के आती थी, वो एकदम ऐसे रहता था, आई मीन तुमको चकोरी क्यों पसंद है? क्योंकि बड़ी डेयरिंग है, खूबसूरत है, लेकिन आदमी जैसी डेयरिंग है शी इज़, मुझे नायरा नहीं पसंद, मुझे ऐसे सॉफ्ट स्पोकन लड़कियाँ नहीं पसंद, मुझे चकोरी पसंद है। आपने माय गॉड मैं किरदार प्ले कर रही हूँ और उस किरदार से प्यार है लोगों को, इट्स लाइक क्रेजी। आपने कहा बहुत सारे लिंकअप रूमर्स, ये बहुत सारे का जरा नंबर्स बताएंगी किस किस के साथ मेरा रूमर है? बोलो बोलो, बोल दो, मैं तो अलग अलग रूमर सुनती हूँ अपने बारे में, खुद ही पूछ लो क्या कौन से वाले की बात कर रहे हैं। रूमर्स तो मेरे बहुत सारे आ रहे हैं जैसे आपने बताया, तो करेक्ट क्वेश्चन पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? जो पूछना चाहती हो वो सीधा पूछ लो। नो आई एम नॉट सिंगल। एक मैंने कोलैब में टॉट टैटू बनाया, मुझे कॉल आया था कि मैम वी वुड लाइक टू डू अ नाइस टैटू फॉर यू। मेरी मम्मी ने मुझे कभी अलाउ नहीं किया था अपने लाइफ में टैटू बनाने के लिए, बट इस बार वो मान गई क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल टैटू है, इट्स बेसिकली अ मांडला एंड चक्रास के ऊपर है। आई एम इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस, दैट चक्रा इज विशुद्ध चक्रा विच इज़ द चक्रा ऑफ एक्सप्रेशन, एंड हम सरस्वती माँ को पूजा करते हैं बिकॉज शी इज़ अबाउट द टैलेंट एंड द लुक्स एंड इंटेलिजेंट एंड नॉलेज। सो मैंने एक ब्यूटीफुल सा शंख बनाया है मांडला के अंदर, क्या आप देखना चाहोगे? यस। सेकंड, कैन यू सी? यस। इट्स अ मांडला एंड सेंटर में एक शंख है ब्लू कलर का, देखा? थैंक यू। सो इसको ब्लू मैंने इसलिए बनाया क्योंकि उस चक्र का कलर फिरोजा कलर है, एंड सेकेंडली डार्क नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि मेकअप से छुपाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एक्टर हूँ, सोच समझ के अपने शौक पूरे करने होते हैं मुझे। मुझे डांस का बहुत शौक है, मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है, इन दोनों में से कोई भी आए मैं करूँगी। मैंने एक्चुअली देखा ही नहीं है तो मुझे पता नहीं कि कंटेस्टेंट्स कौन है और क्या हो रहा है, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग इट। अगर मैं देखती तो, जैसे अगर बिग बॉस में भी लोग पूछते हैं आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, मैं जब देख ही नहीं रही हूँ तो मुझे पता कैसे कि है कौन उसमें। देर आर ऑफर्स, इन फैक्ट आई वॉज सपोज टू शूट फॉर वन OTT नाउ बिकॉज, बट शो स्टार्ट हो गया एंड तो इमिजिएटली मुझे शूट करना पड़ा, तो आई कुड नॉट डू दैट, बट ऑलरेडी पाइपलाइन में है, दो तीन प्रोजेक्ट्स की बातचीत चल रही है, आफ्टर दिस आई कंसिडर दैट। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। एक मैंने 12 साउथ फिल्म, 3 बॉलीवुड फिल्म करने के बावजूद भी मेरा एक फेस था, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही थी, मैं पूरी फोकस नहीं दे पा रही थी अपने काम को मल्टीपल रीजंस के वजह से, आई डिड नॉट गेट द काइंड ऑफ फेम एंड स्टेटस प्रोबेबली आई डिजर्व्ड टू गेट विच अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी, बट आफ्टर डूइंग TV आई हैव नॉट बीन आउट ऑफ वर्क एट ऑल, आई हैव ऑलवेज बीन एट वर्क। मेरे जो गैप्स हुए हैं वो भी सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हुआ है, या फिर गैप एक दो महीने का हुआ है, रक्षाबंधन के तुरंत बाद आई एम डूइंग दिस। So I think I'm really blessed and thank you so much God for always being there for me and giving me the kind of roles which is creatively satisfying and also financially satisfying. इस साउथ में अगर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कुछ, सी TV में ही सारा टाइम चला जाता है, तो मूवीज़ मुझे आती भी है, ऑफर आती भी है, तो मैं ले नहीं पाती हूँ, एंड आई एम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, मैं किसी शो को ऐसी अचानक से आधे में छोड़ के एक फिल्म करने नहीं चली जाऊँगी, ऐसा नहीं कि मुझे फिल्म मिल गई तो मैं पागल हो गई, क्योंकि मैं फिल्म में कर चुकी हूँ, यू नो फॉर मी वर्क इज़ वर्क, एवरी काइंड ऑफ वर्क इज़ वर्क, एंड व्हेन आई एम गेटिंग सच अमेजिंग नेम फेम अप्रिसिएशन ओवर हियर, आई विल नॉट रिस्क दिस, आई विल फिनिश दिस एंड देन सी व्हाट आई हैव टू डू। माय बॉलीवुड डेब्यू वाज कमाल धमाल मालामाल, आई वाज लॉन्च्ड बाय प्रियदर्शन सर, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, मालामाल वीकली का सीक्वल था वो। If I get a good project, I'll surely do. In fact, एक फिल्म की बातचीत चल रही है, मैं अपने एक्स को एक्टर को भी एक फिल्म में मिली थी, हम दोनों ने साथ में एक फिल्म की थी, वो कभी रिलीज नहीं हुई, बात अलग है, लेकिन that will be my, this will be my fourth film if I do another film now. Message for fans is forever grateful for all your support and thank you so much. I hope I can keep entertaining you and creating good content always. Socially and on the big screen also, both importantly, and I hope I can set an example for you guys in life
And stay happy, stay hydrated, stay energetic, be the good human being, help others, be happy, and all the best for everything.